नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और मैं प्रशांत बचौरी। शुरू करते हैं खबर फटाफट, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहाँ कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो सुसर, तुम कान खोल के सुने तो कौन हुए, ऐसी बड़ी पुट्टी नहीं चाहिए। इतने पे चाहिए है भैया घरोंदा वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है खबर फटाफट में। पहली खबर है झांसी से। झांसी में समझाने से नहीं माने कांग्रेसी तो पुलिस अधिकारियों ने धारा 144 के उल्लंघन में कांग्रेसियों को फिर किया गिरफ्तार। बड़ा गांव से गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेसी लेट कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक के बाद किया गया गिरफ्तार। महाराजा खेर सिंह की जयंती पर मऊरानीपुर में मिनी मैराथन दौड़ हुई आयोजित, सैकड़ों की संख्या में दौड़े स्कूली बच्चे, बच्चों को किया गया पुरस्कार। तो वहीं दूसरी तरफ मऊरानीपुर में रात के समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निकले सड़कों पर। एसडीएम अंकुश श्रीवास्तव, सीओ अभिषेक राहुल के साथ पुलिस ने सड़क किनारे सो रहे गरीब असहायों को पहुंचाया रैन बसेरा, बांटे गए कंबल। मऊरानीपुर में मनाया गया सिख धर्म के 4 साहेबजादों का शहीदी दिवस। स्थानीय गुरुद्वारा संगत और पंजाब से आए सिख बंधुओं ने सिख धर्म के 4 साहेबजादों को 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। तो वहीं मऊरानीपुर में महाराजा खेर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पर हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य स्तरीय शूटिंग बॉलीवुड प्रतियोगिता का भी आज से हो रहा है शुभारंभ। मुख्य अतिथि राजमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के साथ जालौन गरौटा सांसद भानु प्रताप वर्मा व क्षेत्रीय विधायक सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। स्कूली बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। मोड के समतर में धूमधाम से मनाई गई महाराजा खेर सिंह खंगार की जयंती। मुख्य अतिथि उदय सिंह पिंडारी व पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। आयोजकों ने कहा कि दीपक दद्दा की पहल से लगी है झांसी जिले में महाराजा खेर सिंह की पहली मूर्ति। तो वहीं न्यूज बीके की खबर का हुआ बड़ा असर, कचरा समेटने वाले वाहन स्वयं हो रहे कचरा की खबर वायरल होते ही नगर की सड़कों पर दौड़े ट्राई स्केल रिक्शा। खबर संज्ञान में लेते ही नगर पालिका प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल रूम करने में जुटा। नगरवासियों ने न्यूज बी की खबर को जनहित की खबर बताकर की जमकर सराहना। बरुआसागर ग्राम तेंदोल में महिला ने लगाया अधेड़ पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस सोच करके घर लौट रही थी तभी बदमाश ने की हरकत, आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने महिला को मानसिक विक्षेप बताकर घटना को बताया संदिग्ध। तो तालाब का पानी सूखने से तालाब की मछलियों की आफत, बामर ब्लॉक के ग्राम मंडोरी में तालाब का पानी सूखने से तालाब में पड़े करीब 2 लाख मछलियों के बीज हुए खराब, हुआ लाखों का नुकसान। तो ठेकेदार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और झांसी के एरच अंतर्गत ग्राम स्कूल में गरीब के घर में लगी आग से हुआ बड़ा नुकसान। जब तक ग्रामीणों ने मदद की और बुझाई आग, तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। होने वाली थी बेटी की शादी मगर पूरी तैयारियों पर आग ने ढाया कहर। ककरवाई झांसी के ग्राम कचीर में एक विवाहिता ने गांव के दबंग पर लगाया छेड़छाड़ सहित गंभीर आरोप। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए की कार्यवाही शुरू। SC ST Act सहित कई मामलों में कार्यवाही शुरू। और झांसी के ककरवाई में श्री बैजनाथ धाम भौवई में चल रही श्रीमद भागवत कथा के अंतिम दिन उमड़ी श्रद्धालुओं के बीच सुदामा चरित्र का हुआ वर्णन। परीक्षित अभिषेक लल्ला यादव ने कथा सुनने आए भक्तों का किया धन्यवाद। तो वही झांसी जिले के टोडी फतेहपुर में नगर पंचायत नव निर्माण सड़कों के कार्य में अतिक्रमण को कर रहा है नजरअंदाज। अतिक्रमणकारियों के हौसले हुए बुलंद, डूडा विभाग झांसी के द्वारा कराया जा रहा सड़क निर्माण, क्षेत्रवासियों ने उठाए सवाल। और ललितपुर में मंडलायुक्त सुभाष बघेल ने जिलाधिकारी व SP के साथ किया थाना सौजना का औचक निरीक्षण। महिला हेल्प डेस्क
SECPMS कार्यालय का निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अपराध रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर व महिला संबंधी शिकायतों को तत्काल निस्तारित करने के लिए किया निर्देश। पुलिस अधीक्षक ललितपुर प्रमोद कुमार के निर्देशन में कोतवाली पुलिस व SOG टीम ने दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी हुई बरामद। और ललितपुर की जखौरा पुलिस ने दबोचा एक शातिर अभियुक्त। आरोपी के पास से 450 ग्राम चरस के साथ देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद। ललितपुर में प्रोजेक्ट नई किरण का हुआ आयोजन। समिति 5 परिवारों में से 3 परिवारों में कराया गया आपसी सुलह समझौता। परिवार खुशी खुशी साथ रहने को हुए तैयार। 2 मामलों में दी गई अगली तारीख। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ताली और थाली बजाकर किया किसान बिल का विरोध। मोदी सरकार से बिल वापस लिए जाने की कही बात। तो वहीं मेहरौनी मड़ावरा राजमार्ग पर सैदपुर के समीप 2 चार पहिया वाहन की हुई जोरदार टक्कर। मानिकपुर से गोद भराई कार्यक्रम से मेहरौनी लौट रही थी दोनों गाड़ियां। नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान, बस वाहन ही हुए क्षतिग्रस्त। सूचना मिलते ही पहुंची मेहरौनी पुलिस। ललितपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर नगर कक्ष का हुआ शुभारंभ। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते हुआ कार्यालय का शुभारंभ। ललितपुर की तहसील पाली में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शिविर में 54 लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदान दानवीरों को सम्मान पत्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। और ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने किया 13 फाटक चौकी का औचक निरीक्षण। कमियों को दूर करने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए सतर्क रहने के दिए पुलिस को निर्देश। खबर जालौन से है। जालौन में 2 पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर हुआ विवाद। बातों से शुरू हुए विवाद में एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए चलाई गोलियां तो मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को पहुंचाया थाना। और जालौन में मानवता फिर हुई शर्मसार। बासना में अंधे 50 साल के अधेड़ ने 5 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने तुरंत मामले को दर्ज करते हुए दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। भेजा गया जेल। टीकमगढ़ की तहसील लिधौरा की ग्राम पंचायत महेंद्रवारा में देवी जी के मंदिर में 7 माह से हो रहा है अखंड रामायण का पाठ। गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग बढ़ा रहे हैं अखंड रामायण के पाठ को निरंतर आगे। 24 घंटे में एक बार होता है रामायण पाठ का पूरा पाठ। और मोहनगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंदारी के गाँव राजेंद्र नगर में सड़क किनारे नाली निर्माण न होने से सड़क पर भरता है पानी। बीमारियों के संक्रमण का बढ़ा है खतरा। सरपंच व सचिव ने नहीं किया आज तक कोई समाधान। आखिरी खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात के माती रायपुर में बालू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा पुल से नीचे। क्षेत्रवासियों ने ट्रक चालक व सहचालक को दौड़कर बचाया और पहुंचाया कानपुर। खबर फटाफट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। नमस्कार। मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान फुल AC रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानी। अरे यार, जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम। अरे सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम घुंया कर रहे हो सर। तुम कान खोल के सुने थे कौन हुए, ऐसी बैठी पुट्टी नहीं चाहिए। इतने पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और POP जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.